दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 की मैथमेटिक्स में चैप्टर 9 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज पर चर्चा करने वाले हैं और ये हमारा इस चैप्टर का पार्ट 4 वीडियो है। तो आइए इस वीडियो का आनंद उठाइए और इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस के सलूशन एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी एंड दिस आइडेंटिटी वी विल यूज्ड इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज दैट यूजिंग दिस आइडेंटिटी एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग फाइंड द प्रोडक्ट। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द पार्ट फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो हमें इसका प्रोडक्ट पता करना है। ओके, सो क्या करेंगे? यस ऑफ कोर्स। गुड मॉर्निंग बेटा, दिस इज ए, ए इक्वल टू 3 एंड दिस इज बी, सो बी इक्वल टू 7। ए इक्वल टू 3 एंड बी इक्वल टू 7 एंड एक्स इज एक्स, एक्स तो एक्स है ही। So this value A and B we will put here in this identity. So dear, you know that since आपको ये identity लिखनी है दोबारा से, since x plus A, x plus 7 and here is also same things, you will put x square means x square and A is 3, B is 7, x plus here is A B, A B means A into B. That is 3 into 7. So dear, this is x square and 3 plus 7 means 10x and this is 21. So dear, this is the product, this is the answer of this question. तो आपको simply यहाँ पे value put करना है और value put करके simplify करना है। तो हम second part लेते हैं या third part ले लेते हैं। So let us part number 3rd of this question. And here is given that 4x minus 5 and second part is 4x minus 1. ये आपका क्वेश्चन, इसका प्रोडक्ट आपको पता करना है। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे? हियर x इक्वल टू 4x, यहां पे देखिए x का वैल्यू 4x दिया हुआ है एंड a इक्वल टू माइनस 5 दिया है तो माइनस 5 लिखेंगे एंड b इक्वल टू यू कंपेयर दिस इज माइनस 1 सो यू विल राइट b इक्वल टू माइनस 1। आफ्टर दैट डियर यू नो दैट द आइडेंटिटी सिंस इक्वल टू x स्क्वायर प्लस अंडर ब्रैकेट a प्लस bx प्लस ab, ab मींस दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ a एंड b, a और b का ये प्रोडक्ट है तो उसको आपको इसे करना है। तो हाउ कैन यू डू x, यू विल पुट द वैल्यू ऑफ x, x इज 4x सो यू विल पुट 4x इन द प्लेस ऑफ x एंड a इज माइनस 7 मैं माइनस 5 तो यहां पे माइनस 5 लिख देंगे माइनस 5 एंड x अगेन 4x एंड b इज माइनस 1 तो माइनस 1 लिख देंगे इक्वल टू अगेन हियर रिप्लेस x, x इज 4x तो x हटाएंगे उसकी जगह लिखेंगे 4x और इस पे स्क्वायर है तो ब्रैकेट यूज करेंगे एंड राइट स्क्वायर। आफ्टर दैट प्लस a इज माइनस 5 तो माइनस 5 ही लिखना है और b इज ऑल्सो माइनस 5 माइनस 1 तो माइनस 1 लिखेंगे प्लस a इज अगेन माइनस 5 एंड इंटू b इज अगेन माइनस 1 तो ये दोनों वैल्यू नेगेटिव हैं इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। आफ्टर दैट सिंप्लीफाई स्क्वायर ऑफ 4, स्क्वायर ऑफ 4 मींस 16 एंड स्क्वायर ऑफ x मींस दिस इज x स्क्वायर एंड नाउ दिस इज माइनस माइनस तो माइनस माइनस प्लस मत कह देना, मैंने आपको बताया था सेम साइन विल बी एडेड तो सेम साइन को एड करना है तो ये आपका हो जाएगा 5 एंड 1 6 बट यू विल पुट सेम साइन, साइन वही पुट करना है जो यहां दिया है तो आपका माइनस 6 हो जाएगा माइनस 6 और यहां पे एक चीज आप देखिए मैंने छोड़ दी कौन सी, हियर इज एक्स
एक्स की जगह आप यहां पे लिखेंगे 4x, तो आपका ये हो जाएगा 4x इंटू में है, और प्लस अब यहां पे प्रोडक्ट है माइनस इंटू माइनस, तो माइनस इंटू माइनस ऑलवेज प्लस, माइनस इंटू माइनस को आपको प्लस ही लिखना है क्योंकि ये प्रोडक्ट है, तो 5 बन जा 5 एंड दिस इज प्लस 5। ओके, आफ्टर दैट अगेन यू विल राइट नेक्स्ट स्टेप 16x² - 6 4 जा 24 एंड दिस इज प्लस 5, सो दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से हम इसको भी करेंगे। तो यहां पे देखिए आपको x का वैल्यू भी पुट करना पड़ा, a का वैल्यू -5 था तो -5 पुट किया, b का वैल्यू -1 था तो -1 पुट किया, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू द रूल आपने इसे सिंप्लीफाई किया, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 16x² - 24x + 5। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो इस तरह से आपने पार्ट थर्ड किया, पार्ट फोर भी इसी तरह का है। पार्ट फाइव में आप देखेंगे वाई लिखा है, नो प्रॉब्लम, तो आप ए की जगह 5y लिखेंगे, बी की जगह 3y लिखेंगे, नो प्रॉब्लम, यू कैन डू इट। और इसी तरह से सिक्स पार्ट है आपका, तो चलिए आपको सिक्स पार्ट बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लिखा है तो स्क्वायर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वैसे ही करेंगे जैसे आप क्वेश्चन करते हैं। पार्ट नंबर 7 में आप देखिए एक्स वाई जेड लिखा है, सो यू विल प्लेस एक्स वाई जेड इन द प्लेस ऑफ एक्स। पूछिए क्या पूछना है, बोलो बोलो, कौन सा ये वाला पार्ट? देखो यहाँ पे हमने कंपेयर किया, यहां से समझना है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, एक्स प्लस ए, तो एक्स की जगह आपका फॉर्मूला दिखाई नहीं पड़ रहा है, ये है फॉर्मूला क्या है, एक्स प्लस ए, तो एक्स की जगह यहाँ पे क्या लिखा, 4x, तो मैंने लिख दिया एक्स इक्वल टू 4x। ए यहाँ पे लिखा है तो ए की जगह यहाँ देखो क्या लिखा है, -5, तो -5 लिख दिया। फिर यहाँ एक्स प्लस बी, तो आप देखो कि यहाँ पे एक्स की जगह 4x ही है, तो वो एक ही बार लिखना है, बार बार नहीं लिखना है। बी की जगह क्या है, -1 है, तो -1 लिख दिया। अब ये सारी वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करनी है, x² तो एक्स की जगह आपको क्या लिखना है, 4x, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया। प्लस ए प्लस बी, ए की जगह आपको लिखना है -5, बी की जगह लिखना है -1, तो वो भी लिख दिया। एक्स एक्स की जगह आपको लिखना है 4x, ए इंटू बी, तो ए की जगह है आपका -5, बी की जगह है -1। अब आप इसे 4 का स्क्वायर करिए, 16 हो गया, एक्स का स्क्वायर करेंगे x² हो गया, ये तो सेम साइन है, सेम साइन को मैंने क्या बताया, ऐड करते हैं, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6, लेकिन साइन वही रहेगा जो यहाँ दिया है, माइनस साइन दिया है तो माइनस हो गया। इंटू 4x, 4x से और मल्टीप्लाई करना है तो मैंने इंटू 4x लिख दिया, और 5 बन जा 5, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, इंटू है ना ये, इसलिए ये प्लस हो गया, यहाँ पे इंटू नहीं था, यहाँ पे तो क्या है, ऐड किया जा रहा है, तो यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस नहीं होगा, यहाँ पे होगा, बिकॉज हियर इज द प्रोडक्ट, है ना, तो प्रोडक्ट में ये साइन चेंज हो जाता है, माइनस एंड माइनस हो गया, प्लस 5 बन जा 5। अब क्या करेंगे, 6 4 जा 24 लिख दिया, तो यही इसका आंसर हो गया। एंड देन -4 एंड अगेन दिस इज एक्स वाई जेड एंड दिस इज आपका, ये हमने लिखा दूसरा पार्ट है एक्स वाई जेड और -2, तो ये मैंने आपके क्वेश्चन लिख लिया। अब आप देखेंगे हियर ए इक्वल टू व्हाट, ए इक्वल टू इज गिवन दैट -4, तो आपने यहाँ पे कंपेयर कराएंगे ना, यहां से देखिए तो ए की जगह पे यहाँ पे क्या है, ए की जगह आपका है -4, और बी की जगह पे क्या है, बी की जगह है आपका -2, तो ए की जगह हमने लिखा -4 और बी की जगह लिखा -2, और एक्स की जगह आप देखिएगा कि यहाँ पे स्पेशलिटी एक्स की जगह दे रखा है एक्स वाई जेड, ये पूरा वैल्यू है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं x इक्वल टू एक्स वाई जेड। अब ये तीनों वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, दिस इज द आइडेंटिटी, सिंस यू नो दैट x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू x² ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, तो आप देखें यहाँ हमने वैल्यू पुट किया, x की जगह आपको क्या लिखना है x y z,
therefore x y z, a की जगह लिखना है माइनस फोर, फिर x की जगह एक्स वाई जेड लिखना है, b की जगह लिखना है माइनस टू इक्वल टू, फिर से x की जगह ये वैल्यू पुट करना है एक्स वाई जेड, और यहां पे क्या है स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। और फिर क्या करना है प्लस अंडर ब्रैकेट, a की जगह देखो माइनस फोर है, इन द प्लेस ऑफ b दिस इज माइनस टू, और x है तो x की जगह फिर ये वैल्यू पुट करेंगे पूरा एक्स वाई जेड, और प्लस ए बी, ए की जगह आप लिखेंगे ये माइनस का साइन है तो माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे, और b का है माइनस टू तो ये भी ब्रैकेट में लिखेंगे, और बीच में साइन कौन सा है इनटू, बीच में साइन है इनटू का। अब इसे सिंप्लीफाई करो, व्हेन यू ऑपरेट द ब्रैकेट देन दिस स्क्वायर विल कम एट द प्लेस ऑफ x, this square will come at the place of y, this square come at the place of z, तीनों के पास आएगा तो क्या हो जाएगा x square, y square, z square, और अब आप देखो यहाँ पे same sign है तो same sign को add या subtract किया जा रहा है तो फिर sign वही रहना है लेकिन add हो जाएगा तो 4 and 2 हो जाएगा 6 minus 6, और x y z आपका है तो वो भी लिख दिया x y z ये वाला term, और फिर यहां पे देखेंगे कि यहां पे तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो माइनस इनटू माइनस दैट इज प्लस एंड फोर ए, हाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पे कोई साइन नहीं है तो जहां पे कोई साइन नहीं होता है वहां पे क्या साइन होता है मल्टीप्लाई का, तो यहां डॉट लिख सकते हो दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस, तो यहां पे चूंकि ये वेरिएबल है और ये नंबर है तो जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो 6xyz हो जाएगा, मींस ये कोफिशिएंट बन जाएगा, तो ये आपका आंसर हो गया फॉर हियर फर्स्ट पार्ट इज गिवन दैट b माइनस 7 एंड दिस इज होल स्क्वायर b माइनस 7 होल स्क्वायर, दिस इज पार्ट नंबर फर्स्ट। तो जब इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो हमको अच्छे से पता है कि यहाँ पे आपको क्या कहा गया है यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी बताई गई है। आवाज आ रही बड़ी तेज, तो वी हैव टू नो दैट फोर आइडेंटिटीज दैट इज यू नो दैट ए माइनस बी होल इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, हाँ बताओ क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री तो बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री का फर्स्ट मैंने ये फोर लिख दिया सॉरी, क्वेश्चन नंबर थ्री ओके डियर दिस इज क्वेश्चन नंबर थ्री, सो डियर यू नो दैट आइडेंटिटी एंड यू कैन राइट हियर by comparison a equal to what, a equal to is b and b equal to is minus, b equal to 7 आप लिखेंगे, b equal to क्या हो जाएगा 7, minus नहीं लिखना क्योंकि minus तो यहाँ भी है, minus b equal to minus 7 होगा तो minus minus कट जाएगा b equal to 7 हो जाएगा, तो आपको देखना है b equal to हो गया 7, you will put this value in here, यहाँ पे आप value put कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा आप देखिए, Yes, therefore, a की जगह आपको क्या लिखना है b, तो b माइनस और b की जगह क्या लिखना है 7 स्क्वायर, अब आप देखो a की जगह फिर से लिखना है b तो ये हो जाएगा b और इस पे लगा है स्क्वायर तो स्क्वायर लिख दिया माइनस टू, a की जगह आप देखो क्या लिखेंगे b तो b लिख दिया और b की जगह क्या लिखना है 7 तो 7 लिख दिया और फिर b की जगह 7 और स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लिख दिया, अब आप देखो ये तो हो गया b स्क्वायर, ये हो गया 2 7 14 माइनस ऐसा ही रहेगा 14 b और 7 स्क्वायर मींस 7 × 7 तो 7 × 7 होता है 14, यस 49, और अब सॉल्व नहीं कर सकते हैं यही इसका हो जाएगा आंसर, इतना ही आंसर है, तो जैसे आइडेंटिटी आप यूज करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। अब मान लो कि हमने आपको
माइनस सेवन अगर हम लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहां भी माइनस है और यहां भी माइनस है, दोनों जगह माइनस है, तो फिर आपको केवल बी को कंपेयर करना है, बी का वैल्यू कितना है। बिकॉज दिस इज द सेम, ये तो सेम ही है, तो सेम में फिर हम माइनस लिखेंगे तो दोनों जगह माइनस लिखेंगे ऐसे, माइनस बी इक्वल टू माइनस सेवन, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तब बी आएगा क्या? बी इक्वल टू सेवन ही आएगा। ठीक है, तो आप देखो हम आपको एक और क्वेश्चन बताते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। पार्ट नंबर हम बताते हैं थर्ड, क्वेश्चन थ्री पार्ट थर्ड, और थर्ड पार्ट में आपको दिया है सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस फाइव वाई एंड दिस इज होल स्क्वायर। तो ये है आपका सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस फाइव वाई होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यहां पे लिखेंगे हियर a इक्वल टू, यहां से देखेंगे तो a का वैल्यू कितना है 6x, और b इक्वल टू, b का वैल्यू कितना है 5y। ठीक है, और यहां पे 6x नहीं है, क्या वैल्यू है 6x स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ a 6x स्क्वायर एंड द वैल्यू ऑफ b इज 5y। माइनस क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि माइनस का फॉर्मूला हमें पता है, तो हम माइनस वाला फॉर्मूला ही यूज करेंगे। सिंस वी नो दैट a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, सो यू पुट ऑल द वैल्यूज हियर, सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। a का वैल्यू लगा दिया, ठीक है, ये b का वैल्यू पुट कर दिया, और यहाँ पे देखेंगे a का वैल्यू कितना है 6x स्क्वायर, और इस पे क्या लगा है होल कर लिया, प्लस b का वैल्यू फिर से 5y है और उस पे भी क्या लगा है स्क्वायर, सो यू विल राइट होल स्क्वायर। ओके, आप नीचे वाला भी दिख जाएगा। फिर आप देखिए आगे क्या करना है, 6 का स्क्वायर करना है, स्क्वायर ऑफ 6 36। अब ये बता दो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा? गलत। हाँ, जब यस वेरी नाइस, एक्स की पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा था ए रेज टू दी पावर एम होल रेज टू दी पावर एन इक्वल टू ए रेज टू दी पावर एम प्लस एन, तो ये पावर प्लस हो जाती है। हाँ, 2 + 2 = 4 हो जाएगा, तो यहाँ 4 हो गया माइनस, आप देखो 2 5 = 10 और 10 6 = 60। 2 5 = 10 एंड 10 6 = 60, और यहाँ पे x स्क्वायर है तो x लिखा रहेगा, y भी ऐसे ही लिखा रहेगा, बिकॉज दीज आर द वेरिएबल। एंड आप 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर होता है 25, y का स्क्वायर y स्क्वायर ही हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब आप इसे और सॉल्व नहीं कर सकते, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और b की जगह आप क्या लिखेंगे 3y2n, ये आप वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए मैंने इसको ऊपर किया नहीं, आपका क्वेश्चन नंबर 4 था 2y3m प्लस 3y2n होल स्क्वायर। अब कंपेयर करेंगे, ये आइडेंटिटी है a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू दिस वन, यू कैन से दैट दिस इज द वैल्यू ऑफ a, ये पूरा वैल्यू a है, तो मैंने लिख दिया 2y3m, और b का वैल्यू आप देखो पूरा ये वाला वैल्यू हो जाएगा, तो 3y2n हो गया। ठीक है, अब आप ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, देयरफोर a की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपका हो जाएगा 2y3m और प्लस b की जगह ये b है ना। अब आप यहाँ पे एक चीज देखो कि यहाँ पे प्लस साइन लगा है, ठीक है, तो आपके पास प्लस वाली आइडेंटिटी है, यहाँ पे आपने प्लस कर दिया तो यहाँ भी प्लस हो जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो चलिए आपको बता रहा था कि यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे a इक्वल टू 2y3m एंड b इक्वल टू
थ्री बाई टू एन, तो b का ये वैल्यू पुट कर देंगे तो आप देखिए ये हो जाएगा 3/2n और ये स्क्वायर है तो आपने कर दिया होल स्क्वायर। a की जगह फिर से ये वैल्यू पुट करना है 2/3m और स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो गया, फिर प्लस साइन है तो प्लस साइन, 2 है तो 2 भी लिख दिया, a की जगह फिर से ये वैल्यू तो हो गया 2/3m और इनटू b की जगह पे आप देखो क्या है, b का वैल्यू है 3/2n तो 3/2n प्लस ये b का वैल्यू फिर से यहाँ पुट करना है तो 3/2n होल स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर करके लिखेंगे, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे कि ये 2 न्यूमरेटर में है, 2 डिनोमिनेटर में कैंसिल, और 3 डिनोमिनेटर में है, 3 न्यूमरेटर में है तो ये भी कैंसिल। अब आप देखो कि 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 3 का भी स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर होता है 9, और फिर m का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर भी हो जाएगा m स्क्वायर। और मिडिल टर्म में आप देखो क्या क्या बचा है, 2 बचा है, m बचा है, n, सो यू विल राइट द रिमेनिंग टर्म दैट इज 2mn, और फिर आप यहाँ पे भी स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, और n का स्क्वायर करोगे तो n स्क्वायर, और अब आप इसे और सॉल्व नहीं कर सकते, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यही इस क्वेश्चन का फिर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखने में हार्ड लग रहा था लेकिन हार्ड नहीं था, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी थी। इसी तरह से पार्ट नंबर 5th है, पॉइंट लगा है तो पॉइंट से आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, 0.4 का स्क्वायर करोगे तो मैंने आपको बताया था डेसिमल नंबर का जब स्क्वायर करते हैं तो डिजिट जो है ना डेसिमल के डबल हो जाते हैं, तो यहाँ पे अभी डेसिमल का डिजिट 0.4 एक ही है, तो आप देखो 0.4 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर करो तो 16, और डिजिट भी डेसिमल का यहाँ एक डिजिट है तो अब यहाँ पे 2 डबल डिजिट हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपको डेसिमल लगाना है तो ये हो जाएगा 0.16। इसी तरह से 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो देखो 5 का स्क्वायर करो तो 25 हो गया और यहाँ पे 1 डिजिट है, यस। बस अब क्या है, जब ये चीज जान गए तो बाकी तो फिर कर लोगे पार्ट नंबर 5 में, ऐसा ही है। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 3। अब हियर इज गिवन दैट क्वेश्चन 4 इज दैट इज सिंप्लीफाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड दिस इज होल स्क्वायर, ये आपको सिंप्लीफाई करना है तो कैसे करेंगे, आओ चलो देखते हैं कि इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। क्वेश्चन 4 का ये पार्ट नंबर है फर्स्ट, तो यहां भी आप देखो आप होल स्क्वायर लिखा है और माइनस लिखा है, इसका मतलब आप यहाँ पे आइडेंटिटी लगाओगे a माइनस बी। अब आप देखो a और b तो क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आप ये सेम आइडेंटिटी नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे यहाँ पे कैपिटल कर दो, कैपिटल a माइनस कैपिटल b होल स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल a स्क्वायर, माइनस है तो माइनस आएगा 2ab एंड प्लस b स्क्वायर, ये a और स्मॉल a स्मॉल b क्वेश्चन में दिया था इसीलिए मैंने इसे कैपिटल में लिख दिया, नो प्रॉब्लम। आप क्या करना है, नाउ यू कंपेयर a इक्वल टू क्या है, आप देखो कैपिटल a इक्वल टू a स्क्वायर एंड कैपिटल b इक्वल टू आप देखो क्या हो जाएगा b स्क्वायर, और कुछ करना नहीं है तो ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, तो देखो जब ये वैल्यू एक ही जगह लिखोगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b की जगह ये लिख दो b स्क्वायर और फिर होल स्क्वायर ये वाला इक्वल टू, यहाँ पे देखो एक ही जगह आप ये लिखोगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर और इस पे स्क्वायर लगाए तो आप भी स्क्वायर लगाओगे माइनस टू, एक ही जगह आप देखो क्या लिखना है ए स्क्वायर और बी की जगह पे लिखना है कैपिटल कैपिटल बी की जगह बी स्क्वायर प्लस फिर से यहाँ कैपिटल बी है, कैपिटल बी का वैल्यू क्या है बी स्क्वायर और उस पे क्या लगा है स्क्वायर तो आप भी लगा दोगे होल स्क्वायर। Now you will simplify. तो अभी आपने बताया था a raise to the power m whole raise to the power n equal to a raise to the power m plus n. तो कितनी पावर हो जाएगी 4.
और यहां पे तो सिंपल लिख ही देना है माइनस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहां भी आपका कितना हो जाएगा बी रेज टू दी पावर 4। तो आप देखो ये आपका जाएगा आंसर, अब आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते, तो इतना ही आंसर हो गया। तो ये भी आपने वैसे ही तो किया जैसे अभी कर रहे थे। अब आप देखो इसमें एक और क्वेश्चन देख लो कि वो कैसे करना है। इसमें दो दो आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन है। तो देखो ये है आपका पार्ट नंबर सेकेंड। सेकेंड पार्ट में आप समझना क्या है, 2x+5 होल स्क्वायर और फिर है माइनस 2x-5 होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आप देखो हियर इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पे इक्वल टू है 2x और v इक्वल टू क्या है 5, है ना। और यहाँ पे माइनस फॉर्मूला है और कुछ भी नहीं है। तो आपको यहाँ दो फॉर्मूले यूज करने हैं। आप दोनों फॉर्मूले जानते हो, क्या जानते हो, सिंस ए माइन प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक तो ये आइडेंटिटी आप जानते हो और दूसरा आइडेंटिटी आप और जानते हो, एंड ए माइनस बी होल स्क्वायर, माइनस वाला फॉर्मूला, ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। माइनस वाले में यहाँ माइनस आ जाता है, बाकी सेम ही रहता है। तो अब आप देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे, तो ए की जगह कितना है 2x, बी की जगह कितना है 5, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो आप देखो क्या मिल जाएगा। यस वी विल गेट, दैट इज यहाँ पे वैल्यू पुट करना है इस जगह पे और इस जगह पे, तो देखो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना है 2x होल स्क्वायर, फिर प्लस ये वाला 2, फिर ए की जगह आप लिखोगे 2x, बी की जगह आप लिखोगे 5, प्लस बी की जगह फिर से लिखोगे 5, और फिर यहां पे देखो कौन सा साइन है माइनस का, तो माइनस लगा देंगे। और अब आप जो नंबर लिखेंगे वो सब ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, बिकॉज हियर इज द माइनस साइन जस्ट बिफोर दिस ब्रैकेट, तो इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है, इसलिए आप यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। और देखो अब ये वैल्यू यहां पुट करनी है, ए ए का वैल्यू कितना है 2x, तो 2x का होल स्क्वायर माइनस साइन है 2 इंटू ए की जगह फिर से आप लिखेंगे तो 2x इंटू बी की जगह आप लिखेंगे 5, और फिर से बी की जगह लिखेंगे यहाँ पे 5, और यहाँ पे क्या है होल स्क्वायर, तो आपने होल स्क्वायर कर दिया, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज होने के बाद अब आप देखिए कि इसको सॉल्व करना है, तो 2 स्क्वायर मीन्स 4, x स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर, और 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, और ये x है तो x लिख दिया, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और माइनस, अब आप देखना यहाँ पे हम ये ब्रैकेट हटा दे रहे हैं तो अंदर के सभी साइन चेंज हो जाएंगे। तो देखो पहले 2 का स्क्वायर करो तो 4 आ गया, और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो गया, और ये माइनस साइन यहाँ पे आ गया, फिर ये माइनस साइन यहाँ आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, और आप देखो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, और ये x है तो x भी लिख दिया। अब ये माइनस साइन यहाँ पे आएगा, माइनस इंटू प्लस तो माइनस ही हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर करो तो 25। अब आप देखो बहुत आसानी से यहाँ पे सब कुछ कैंसिल हो रहा है, ये 4x² पॉजिटिव, ये 4x² नेगेटिव, कैंसिल, ये 25 पॉजिटिव, ये 25 नेगेटिव, कैंसिल, तो बचा क्या 20x+20x। तो आप देखो ये हो जाएगा 20x+20x, दैट इज 20 और 20 40 हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर नहीं करना है, ये एक्स ही, हाँ 40 है, एक्स स्क्वायर नहीं लिखना कभी भी, ध्यान रखना ये, क्योंकि ये प्लस हो रहा है, प्लस में पावर नहीं बढ़ती है, इनटू में पावर बढ़ती है, तो ये हो जाएगा 40x, और यही इसका हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे जो अभी क्वेश्चन और भी दिए सभी में इसी तरह से दो दो बार आइडेंटिटी यूज करनी है, और सब में ये टर्म कटेंगे, सभी में ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे,
और ये मिडिल वाला टर्म बचेगा, और किसी में मिडिल वाला टर्म कटेगा तो ये वाले टर्म बच जाएंगे। अगर यहाँ साइन प्लस लगा दो, अगर यहाँ पे साइन प्लस पुट कर दें तो ये टर्म और ये टर्म बच जाएगा, ये वाला कट कैंसिल हो जाएगा, मिडिल टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो इसी तरह के इसके सभी क्वेश्चन हैं, ठीक है? तो आप बोलो, बताइए। हाँ, अगर यहाँ पे साइन पॉजिटिव होगा तो ये सारे कट जाएंगे, जो लास्ट फर्स्ट और लास्ट टर्म लिखे हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, और मिडिल टर्म बच जाएगा। वो साइन पे डिपेंड करेगा, जैसे ही आप उसे सॉल्व करेंगे अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सा कैंसिल हो रहा है और कौन सा ऐड हो रहा है। चूंकि आप देखो यहाँ पे अपोजिट साइन है ना, सेम नंबर एंड अपोजिट साइन, इसका मतलब ये कैंसिल, और यहाँ पे देखो ये सेम नंबर है और सेम साइन भी है, इसका मतलब सेम साइन विल बी एडेड, तो इसको ऐड करना है तो मैंने ऐड कर दिया, 40 लिख दिया। और यहाँ पे देखो 4x2, ये हाँ, प्लस प्लस तब भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है? प्लस वाले में क्या हो जाएगा, ये मिडिल टर्म कैंसिल होगा, प्लस वाले में मिडिल टर्म कैंसिल हो जाएगा। बस -8n, और यहाँ है 7m + 8n, ये क्वेश्चन है, ठीक है? तो आप देखो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना मिल रहा है, ए 7m, यहाँ पे हम लिखेंगे 7m, देखो यहाँ से ए का वैल्यू यही तो हुआ है, और बी का वैल्यू कितना है 8n, माइनस प्लस नहीं लिखना है, आप बी केवल वैल्यू देखेंगे, माइनस प्लस इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो कौन सा साइन लिखोगे, कुछ नहीं लिखना, आपको ए बी का वैल्यू लिखना है। अब यहाँ पे देखो माइनस है, तो माइनस का मतलब ये आइडेंटिटी यहाँ माइनस वाली पहले यूज करेंगे, माइनस और माइनस, और सेकंड वाले में क्या प्लस है, तो यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। अब आप देखो कि कैसे इसे यूज करके सॉल्व करते हो, यस ऑफ कोर्स, सो डियर यू विल यूज दिस आइडेंटिटी, ए स्क्वायर को कितना पुट करना है 7m, तो ये हो जाएगा 7m होल स्क्वायर, और फिर माइनस है तो -2 7 की जगह लिखोगे, यहाँ सॉरी ए की जगह लिखोगे 7m, और फिर इंटू बी की जगह क्या लिखोगे 8n, और प्लस बी स्क्वायर की जगह आप क्या 8n लिखोगे, 8n होल स्क्वायर। फिर आप देखो यहाँ पे साइन कौन सा है, प्लस प्लस साइन है, तो फिर ब्रैकेट यूज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ माइनस साइन था इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया था, लेकिन अभी यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। ए स्क्वायर मीन्स 7m होल स्क्वायर, ठीक है? ये वैल्यू यहाँ पुट हुआ, और प्लस 2ab, तो 2 ये हो गया, और ए की जगह 7m, इसकी जगह ये आ रहा है, और बी की जगह आप देखो कितना है 8n, और प्लस बी ये वाला वैल्यू यहाँ पे आएगा, बी का वैल्यू कितना है 8n, और ये है होल स्क्वायर। अब इसे सिंपलीफाई करो, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, m का स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर, माइनस 7 8 का कितना होता है 56, और 56 का डबल करेंगे 2 से मल्टीप्लाई तो 112, और m और n भी है तो mn हो गया। प्लस 8 का स्क्वायर करो तो 64, n का स्क्वायर करोगे तो n स्क्वायर, प्लस यहाँ भी वही चीज आएगी 49m², और यहाँ भी सेम वही चीज आएगी कितना 112mn, और यहाँ लास्ट वाले में भी सेम वही चीज आएगी जो यहाँ आई थी 64n². अब आप देखो कंपेयर करो कि केवल ये साइंस सेम नंबर है लेकिन साइन अपोजिट है, तो ये मिडिल टर्म कैंसिल हो गया, मैंने आपको कहा था मिडिल टर्म कैंसिल हो जाएगा, बाकी सभी को प्लस करना है। तो आप देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 49m², और यहाँ भी है 49, तो लिखेंगे प्लस 49m², और ब्रैकेट क्लोज, फिर लाइक टर्म लिख दिए, ठीक है? और यहाँ पे देखो 64n², और यहाँ भी है 64n², ये भी लाइक टर्म लिख दिए, ठीक है? ब्रैकेट क्लोज कर लिया, अब इसको प्लस कर दो, तो प्लस करने से 49 49 कितना होता है 98,
एम स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखो 64, 64 कितना होता है 128 और एन स्क्वायर, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो आपका ये आंसर आ गया। तो प्लस और माइनस में इतना ही डिफरेंस आएगा कि यहाँ पे मिडिल टर्म कैंसिल हो जाएगा और फर्स्ट और लास्ट टर्म ऐड हो जाएंगी। सो डियर, तो हमारा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर ये पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कर